जय बोलेगी सभी भाइयों को। मैं आपका भाई विक्की बर्तवाल आज फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार की। वीडियो में आपका भाई आपको हर घाट की सारी जानकारी देगा, मेन घाट की वीडियो दिखाएगा, माँ गंगा जी के दर्शन कराएगा, साथ ही साथ आपको मौसम के बारे में बताऊँगा, होटल के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश विजिट करें और कौन कौन सी मुख्य जगह है हरिद्वार में देखने के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको पूरी वीडियो में। वीडियो का अंत तक देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पा रहे हैं ना ही मेरे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। आप अभी ये हर की पौड़ी हरिद्वार का मेन घाट देख रहे हैं, मेन घाट के सामने वाला घाट है ये। पानी बहुत ज़्यादा है हरिद्वार में इस टाइम पर क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पिछले 15 से 20 दिनों में, इसीलिए पानी काफ़ी मटमीला है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है पानी में। ऋषिकेश में तो सारे घाट डूबे हुए हैं, ऋषिकेश में तो आप कृपया ना जाएं, आप हरिद्वार आ रहे हैं तो त्रिवेणी घाट, परमार्थ आश्रम, सारे के सारे घाट डूबे हुए हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला जो है उनको तो बंद कर रखा है सरकार ने, प्रशासन ने, बरसात के पानी को देखते हुए। हरिद्वार तक आप अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर हरिद्वार आने की सोच रहे हैं तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बीच बीच में बारिश हो रही है जिससे मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो भीड़ है हरिद्वार में वो भी काफ़ी कम है, श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप अगर रेल से आना चाहते हैं या बस से आना चाहते हैं तो बस अड्डे या रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने ही हैं। वहाँ पर आप उतरेंगे, बाहर आएंगे गेट पर तो 20 रुपये में आपको ई रिक्शा हर की पौड़ी हरिद्वार में छोड़ देगा। 20 रुपये से ज़्यादा ना दें पर सवारी। पैदल के लिए थोड़ा दूर है, 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं आपको यही सजा दूंगा कि आप ई रिक्शा कर लें, होटल वगैरह आने से पहले बुक करा कर आएँ। अदरवाइज़ वहाँ पर भी आपको होटल मिल जाते हैं 600-650 रुपये में, इस टाइम पर AC रूम मिल जा रहा है शुरुआत में। बाकी आपका जैसा बजट हो उस तरीके के होटल हरिद्वार में है। धर्मशालाएँ भी बहुत सारी हैं जहाँ फ्री में रह सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ धर्मशालाओं में 100-200 रुपये लगते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको धर्मशाला या होटल किसकी जानकारी चाहिए, मैं आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगा। मनसा देवी, चंडी देवी दोनों ही जगह यात्रा हो रही है, दर्शन हो रहे हैं माता रानी के, दोनों ही जगह रोप वे चालू है। आपके साथ अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो आप रोप वे की मदद से वहाँ जा सकते हैं। मनसा देवी तो हर की पौड़ी हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहाँ से रास्ता मिल जाता है जाने के लिए, लेकिन चंडी देवी के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, 3-व्हीलर लेना पड़ता है, 3-व्हीलर से ही आप वहाँ जा पाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप या फिर रोप या फिर पैदल दोनों में से किसी भी एक चीज़ से यात्रा कर सकते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप अगर मनसा देवी चंडी देवी जाते हैं तो अपने मोबाइल वगैरह हाथ पर ना निकालें, चश्मे वगैरह ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे बंदर लंगूर बहुत सारे हैं जो कि झपट्टा मार के आपके हाथ से छीन लेते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को मोबाइल वगैरह का तो बिल्कुल भी ना निकालें। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज है। आपका एक बार वो फ़ोन वगैरह ले लेते हैं या फिर चश्मा ले लेते हैं फिर वो टूट जाता है, तोड़ के ही देते हैं, वहाँ पर ऐसे देते नहीं हैं, आप चाहे उनको मारो चाहे कुछ खाने के लिए दो। इस टाइम पे आप देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ है, सुबह का टाइम है, 10:30-11 बजे का टाइम है। ये पुल है, मेन पुल, पुल पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है और मेन घाट में भी सामने काफ़ी अच्छी भीड़ है। वीडियो में माँ गंगा जी के दर्शन करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय गंगा माता देखना ना भूलें, माता रानी गंगा मैया आपके सारी मनोकामनाएँ पूरी करें और जल्द से जल्द आपको माँ गंगा जी अपने पास जरूर खींच के लाए दर्शन के लिए। हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार आने पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, गंदगी वगैरह बिल्कुल भी ना करें। मैं लोगों को देखता हूँ हरिद्वार आते हैं इतनी गंदगी करके चले आते हैं, पुराने कपड़े, जूते चप्पल, रैपर कुछ खाते पीते हैं, चाय चुई के कप वहीं नदी किनारे छोड़ देते हैं, सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं, जो कि बह के वहीं पहुँच जाता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गंदगी वगैरह ना करें, क्योंकि अगली बार भी आपको आना है और अगली क्या पता हमें भी वहाँ आना पड़े तो बहुत गंदा लगता है। आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे, चर्च गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, वहाँ कितनी सफाई रहती है आपने देखा होगा,
लेकिन हमारे मंदिरों में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, उसका कारण हम है, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम खुद वहाँ पे देख रहे हो वीडियो में किस तरीके से पन्निया वगैरह सीढ़ियों पे फैली पड़ी हैं, लोग गुटखा उटका फेंक देते हैं, खाते हैं, थूक देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो का आनंद लें, वीडियो को अंत तक देखें। देख रहे हैं ये भाई लोग कैसे नदी में तैरते हुए जा रहे हैं, ये अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये यहाँ के लोकल हैं, इनको तैरना आता है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये कोई नहर नहीं है, ये नदी है, बहुत गहरी है गंगा जी। रेलिंग के उस तरफ जाके ना नहाएं, रेलिंग के इस तरफ ही नहाएं। हरिद्वार प्रशासन ने काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है रेलिंग की, उसके अंदर ही नहाएं, चेन पकड़ के नहाएं। बच्चे हैं तो बच्चों को बिल्कुल भी नदी में ना जाना दें, आप उनके साथ ही रहें। पानी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा मिटमेला है। माँ गंगा जी के बारे में आप कुछ चीज़ बता दूँ, माँ गंगा जी का जो जल है वो 100 साल तक भी आप अगर अपने घर पे रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, यही माँ गंगा जी का वरदान है। इसीलिए लोग माँ गंगा जी को सबसे पवित्र मानते हैं नदियों में। माँ गंगा जी को यमुना जैसा ना बनने दें, गंदा ना होने दें, जैसा जो हालत आज यमुना जी की हो गई है, यमुना जी एकदम ख़त्म होने के लुत्फ होने के कदार पे है, जिस तरीके से उसमें गंदगी हो गई है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी और केमिकल यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, गंगा जी के साथ ऐसा ना करें। सामने पहाड़ पर आपको मनसा देवी जी माँ का टेम्पल दिख रहा होगा, हरिद्वार कभी आए तो मनसा देवी चंडा देवी जरूर जाएं। कम से कम हरिद्वार आ रहे हैं तो 2 दिन का टूर बना के आएं, 2 दिन में आप बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे हरिद्वार में। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं हरिद्वार में आने के बाद देखने के लिए, हरिद्वार से थोड़ा सा आगे अगर ई रिक्शा करेंगे तो भारत माता मंदिर पड़ता है, वहाँ ज़रूर जाएँ, एक अद्भुत मंदिर पड़ता है वहाँ ज़रूर जाएँ, शांति कुंज है वहाँ ज़रूर जाएँ। शांति कुंज में आपको खाना फ्री में मिलता है, वहाँ पर खाना खाएँ, बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था होती है, प्लेट वगैरह खुद लेनी होती है और खा के धोना होता है बर्तन, बहुत अच्छा खाना मिलता है। योगा वगैरह होती है वहाँ पे आपको गायत्री मंत्र के लिए एक रूम है, वहाँ पे बैठ के आराम से गायत्री मंत्र का जाप या ध्यान लगा सकते हैं। भारत माता मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कई फ्लोरों तक माताओं की तस्वीर मतलब आपको दिखेंगी, कलाकारी दिखेंगी। हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, बहुत शांत जगह है। दिल्ली और आपके आसपास की जगह के हरियाणा यूपी के लोग तो हर वीकेंड पे हरिद्वार पहुंच जाते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय गंगा माता दोस्तों, हर हर महादेव।